press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बात करेंगी सनातन धर्म के बारे में और खासकर एक्स मुस्लिम, यानी कि बहुत सारे लोग इस्लाम मजहब को छोड़ रहे हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब जिस बेबाकी से बातें रखती है, तो भारत में तो नाज़िया खान ये एक चर्चित नाम है ही, पाकिस्तान में भी आप बहुत पॉपुलर है। उधर के जो यूट्यूबर है वो हमेशा आपसे बातचीत करते रहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, एवरीवन नोस के मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ। मैं लिटरली कैमरा से छुपती रही थी। अच्छा, लगता नहीं नहीं, मैं छुपती रही थी। मुझे शायद लोग पहचानना स्टार्ट किए हैं 2023 के मार्च से। अच्छा। हालांकि मैंने बहुत बड़े बड़े मैटर्स देखे हैं, पर मैं हमेशा बैक कैमरा रहती थी, पर्दे के पीछे रहती थी। लेकिन जब मैंने सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट होते हुए देखा, पश्चिम बंगाल का देखा, उसके बाद फिर और भी बहुत जगह का देखा, तो मुझे लगा कि शायद अपनी मुसलमान बहनों को बचाने के लिए मुझे शायद अब रोड पर उतरना पड़ेगा। बिना रोड पर उतरे नहीं हो पाएगा। मैं एसी में बैठ करके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करती हूँ, पर उसमें बहुत शिक्षित लोग आते हैं जो मेरी बात सुनते हैं और तालियां बजा देते हैं, वो बात बाहर नहीं निकलती है। तो फिर मैंने निर्णय किया कि ठीक है, अब जहां से भी मुझे कॉल आएगा कि यहां पर आपको बैठना है, मैं इसको सोशल अवेयरनेस का एक रूप देकर के मैं वहां पर बैठ करके बात करूंगी। और शायद मेरी किस्मत अच्छी है कि इस 11-12 महीने के अंदर आज पाकिस्तान खुद कहता है कि अवेसी झूठा था और झूठी अफवाह फैलाता था और हम उसी को मानते थे। क्योंकि नाज़िया जी, आप सबूत के आधार पर हम लोगों के साथ बात करती हैं, और मुसलमान क्या कर रहा है भारत में, ये आप पूरा सबूत देती हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब पाकिस्तान खुद मुझे बोलता है कि अवेसी झूठा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे मतलब आना पड़ा मैदान में। और एक पाकिस्तानी मीडिया के बारे में एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री डोमिनेटिंग है, सरकार से ज़्यादा उनकी चलती है, तो ऐसे स्थिति में उधर के यूट्यूबर इतने बेबाकी से बोलते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, धांधली के बारे में बोलते हैं, अभी चुनाव जो हुए उसके बारे में इतना खुल के बोलते हैं, इसका क्या राज है? इसके तीन राज मैं आपको बताऊंगी और तीनों टू दी पॉइंट है। पहला, आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखिएगा, वो भारत के कंटेंट पे बात करते हैं, अपने पाकिस्तान की बात नहीं उठाते हैं। वो हम जैसे वल्नरेबल स्पीकर है जो पाकिस्तान की बात भी जबरदस्ती उठा लेते हैं। आप एक चीज दूसरा देखिएगा कि जो कन्वर्शन करवाता है सिंध में, प्लोच में, गिलगित में, लाहौर में, कराची में, मियां मिट्ठू, उसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं उठाते हैं इंटेंशनली, क्योंकि जिस दिन बात उठाएंगे दूसरे दिन इनका हड्डी कहीं और मिलेगा, मांस कहीं और मिलेगा ये यूट्यूबर्स का। तीसरा मैं कहूंगी कि भारत के अचीवमेंट और डेवलपमेंट को बहुत खूबसूरती से दर्शा करके जो युवा यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की कुछ बात भी नहीं करें और भारत के अचीवमेंट को दिखा करके अपने पाकिस्तान के युवाओं की आंखें भी खोलें, जो मुमकिन नहीं हो रहा है, पर वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जिसका अंदेशा मुझे भी है कि उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप आर्मी से है। अच्छा। जिसका अंदेशा मुझे ये रिलेशन मॉनेटरी रिलेशन है कि अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई रियली डोंट नो, लेकिन रिलेशन तो है। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि इस प्रकार से साथ में बिजनेस भी चलते हैं कुछ आर्मी ऑफिसर और यूट्यूबर्स के, दैट आई रियली डोंट नो, लेकिन कुछ रिलेशन तो है ये मुझे पता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले मिनिस्ट्री मीडिया पे बैठते थे, अभी अभी अपना यूट्यूब खोले हैं, मिनिस्ट्री मीडिया पे मोदी जी को भर भर के गालियां दिया करते थे, एनाकोंडा से उनको मतलब रिफर किया करते थे अपने ट्विटर पर लेडी जो है, और अभी सुर तो ऐसा बदला है कि मोदी भक्ति आ गई है,
अब तो मोदी जी का पूरा जाप ही करते रहते हैं, ये डॉलर का कमाल है। हाँ, ये डॉलर का कमाल है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया तो ये डॉलर का भी कमाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा का जो एफर्ट है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में, वो उसमें सच्चाई छुपी हुई है। वो चाह रहे हैं कि वो भी डेवलप हों, वो भी सक्सेस हों, उनका भी देश आगे बढ़े, वो भी फ्री होकर के, जैसे नाजिया इलाही खान एकदम दहाड़ती हुई नजर आती है, वैसे वो भी दहाड़ती हुई नजर आए। तो कुछ है युवा जो पॉजिटिव चीजों को स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं, सवाल भारत के बारे में ही होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो बहुत डायबॉलिक गेम खेल रहे हैं, जिन पर नजर रखने की जरूरत है, बहुत कड़ी नजर रखने की जरूरत है जी। और एक सवाल है, अभी अयोध्या में हमने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, तो अभी अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और मुस्लिम कंट्री में इतना भव्य मंदिर बना जी, तो ये जो पूरा बदलाव है उसका क्या कारण है? ये मुस्लिम मानसिकता में बदलाव है कि मोदी जी की जादू है कि और कोई कारण है इसके पीछे? देखिए, आप बर्लिन जाएंगे, बहुत मंदिरें मिलेंगी। इंडोनेशिया तो खैर अपने आप को भगवान राम का पूर्वज ही मानता है। अफ्रीका में तो कुशाई बोलते हैं लोग अपने आप को, प्रभु कुश के वंशज बोलते हैं। तिरुचिल्लापल्ली के हिसाब से 17,50,000 साल पुराना सनातन धर्म है। आज भी हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे टाइटल मंडल हैं, सरकार है, चौधरी है, बट है, महाराष्ट्र में दलवी पावस्कर, तो ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? अब आती है बात के अरब कट्टर इस्लाम वाला है, कट्टर इस्लाम वाला, और अरब को पता है कि मॉडिफिकेशन तो हमारे अल्हामी किताब में भी हुआ, तो आज इस जेनरेशन में अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो की जा सकती है। डायरेक्ट तो कुरान नहीं आया ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान आया। तो मॉडिफाई जब इस्लाम हो सकता है, जब अल्लाह तबारक ताला कर सकता है, तो फिर खुर्शीद साहब क्यों नहीं कर सकते हैं, मोहम्मद बिन जैद साहब क्यों नहीं कर सकते हैं? और हमारे कुरान में लिखा है लकुम दीन अकुम वलय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। द थर्ड थिंग इज कि हर देश अब चाहता है कि वो इकोनॉमी बहुत पावरफुल हो, क्योंकि देश तरक्की याफ्ता होता है तो वहां के व्यक्ति तरक्की याफ्ता होते हैं। और मुझे इतनी जानकारी बहुत अच्छे से है कि मदरसा हो, इमामबाड़ा हो, मस्जिद हो, मजार हो, इन्होंने आज तक भारत की सरकार को झूठ बोल करके पैसा लिया है, और आज भी इस भारत में सैकड़ों मंदिरें हैं जो टैक्स देती हैं। राम मंदिर किसी सरकार ने नहीं बनाई, 800 करोड़ से ऊपर डोनेशन, और अब तो उससे भी ज्यादा, उस डोनेशन से ही बन गया। बिल्कुल। बैंक ने कह दिया कि अब और डोनेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अब आप लोग कहीं और रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसको हम सबको मानना चाहिए, और अरब ने भी मान लिया है। और किसी भी मुसलमान, इस दुनिया के किसी भी मुसलमान को अरब के मंदिर से, अबू धाबी के मंदिर से अगर प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बॉयकॉट करके दिखा दे, अरब बॉयकॉट करके नहीं कर पाएगा। आज भी जब हम मुसल्ला बिछाते हैं ना, जानमाज जब बिछाते हैं, तो हमारी पहली और आखिरी दुआ यही होती है कि मरने से पहले एक बार हज कर ले, एक बार उमरा कर ले। तो ये हज और उमरा होगा कहाँ? वही जहां 27 एकड़ की मंदिर बनी है, उसी से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं हज करने के लिए जाऊंगी, पहले मंदिर में माथा टेक लूंगी, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ करके हज भी कर लूंगी। क्या बात है, ऐसे पूछने लायक सवाल बहुत सारे हैं, और आपके पास जानकारी इतनी है कि शायद 2 घंटे कम पड़े। लेकिन एक आखिरी सवाल जी मैं आपसे पूछता हूँ, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते जी, हुए जी। एक एक्स मुस्लिम मूवमेंट पूरे दुनिया में चालू है जी, भारत में उसका स्टेटस क्या है, आपकी क्या जानकारी है? मुझे ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम जो बहुत ज़्यादा दीन की दावत दिया करते थे और बहुत ज़्यादा दीन को समझें, उसके बाद उन्होंने छोड़ा है इस्लाम को, और उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मुंह छुपा कर ना चलें, क्योंकि भारत में मुसलमान बलात्कारी अपनी शादियाँ जेल खटके आने के बाद 5-स्टार होटल में करता है। नासिर खान उसका जिंदा मिसाल है। तो मुझे लगता है कि वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं जो उनको मुंह छुपाकर चलना चाहिए। मेरा 2024 के अक्टूबर या नवंबर तक
एक्स मुस्लिम को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए और वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जाए जो माइनॉरिटीज को मिलती है. ये मेरा एक पिटिशन जाने वाला है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनके अधिकार के लिए, उनके लीगल राइट के लिए, या उनको जो लोग डरा करके रखे हुए हैं, वो अपने घर को छोड़कर बैठे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ वो कहीं और छुपे हुए हैं, उनको उनके साथ ये अत्याचार भारत की धरती पर नहीं होनी चाहिए. क्या नंबर होगा लगभग भारत में, क्या लगता है आपको, एक अंदाज क्या है का? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरा आंकड़ा है या मेरे पिटिशंस का जो अभी रिसर्च चल रहा है, 1 करोड़ टच कर चुका है. क्या बात है, इतनी बड़ी संख्या में है. जी हाँ. इसका क्या आधार है, आपने जो संख्या बताई उसका? बहुत जल्द इसको लेकर के मैं आपके साथ सेशन कर लूंगी, क्योंकि मेरी रिसर्च अभी कंटिन्यूड है और काफी सारे एक्स मुस्लिम से मेरी बातचीत भी होती है. अच्छा, हम इंतजार करेंगे उस सेशन का. पक्का. दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और उनकी बुलंद आवाज में दिए गए करारे जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, जिनमें उन्होंने मजहब के ठेकेदारों, खासकर भारत में रह रहे हिंदू और सनातन के विरोधियों को जम के लताड़ा और उनको आड़े हाथों लिया. तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा. तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें. जय हिंद, जय भारत.